ट्रिग्नोमेट्री, इससे बना ना अगर कहें तो ट्राई गॉन मैट्रिक, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, एंगल्स एंड साइड, मैट्री मेजरमेंट, एंगल साइड का मेजरमेंट एक ट्राइंगल के और उनके रेशियोस को ऑब्जर्व करना, फिर उससे धीरे धीरे प्रॉपर्टीज बढ़ती चली गई, वो सभी पार्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने सबसे पहले लिया है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल बी पर है, लेट अस अज्यूम ये जो एंगल सी है ये थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है सभी में लगा सकते हैं लेकिन वो आगे आएगा, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल्स में भी यूज बाद में हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट किया गया। रेशियो से एक एंगल तो 90 होगा, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूस बोली जाती है, ये तो हो गई हाइपोटेन्यूस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, मान लीजिए इसकी लेंथ को एच कह दिया, एक्स वाई जेड बोलते हैं, तो ऐसे इसको क्या कहा, हाइपोटेन्यूस का फर्स्ट लेटर लिया एच। थीटा के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इसे थीटा लेता तो इसके अपोजिट साइड इसे बोलता परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के फर्स्ट लेटर पी से इसको लिखते, ठीक है, और इस थीटा के जो एडजेसेंट साइड इसे कहते हैं बेस, इसकी लेंथ को हम बी से कहते हैं। यहाँ ए बी सी से अगर कंफ्यूजन हो तो आप ट्राइंगल का नाम चेंज कर दीजिए, पी क्यू आर कर देते हैं, बी बेस है वो वर्टेक्स नहीं। थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, यहां पे अभी सिंबल्स के लिए हमने उसको अज्यूम कर लिया कि इसकी लेंथ पी है, अच्छा फिर पी भी आते हैं कोई बात नहीं, यहां पर बेस इसको लिया बी, इसको रिप्रेजेंट किया और हाइपोटेन्यूस को एच से ले लिया। अगर मैं इसे थीटा लेता तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस, इसके लिए नाम ये भी है परपेंडिकुलर के, थीटा के अपोजिट है तो इसे हम अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल जिस एंगल की बात की जा रही है। ऐसे ये कौन सी साइड हो गई, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल जिसके यहां हमें बात करते हैं उसकी एडजेसेंट, ठीक है। इसमें साइड्स के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के रेशियो। तो पहले सबसे पहला रेशियो है साइन ऑफ थीटा, इसको लिखते हैं एब्रिविएशन है फॉर्म में साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, ये क्या है साइन ऑफ थीटा, पूरा नाम क्या है एस आई एन ई, एब्रिविएशन है एस आई एन, इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो एंगल बात कर रहे हैं हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कोसाइन थीटा। नेक्स्ट होता है कोसाइन ऑफ थीटा, उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, क्या होता है ये कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या बोल, टेन ऑफ थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं ये एंगल यहां पे बात करें तो ये एंगल क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, अगर इसमें बात करें तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूस से छोटा होगा। तो साइन की वैल्यू अगर कुछ सॉल्व कर रहे हैं आप, आपसे पूछा गया साइन थीटा होगा तो कभी भी वो आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा, और 0 से 90 है तो 0 से 1 के बीच में आएगा। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमेशा, बेस हमेशा हाइपोटेन्यूस से छोटा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी छोटी दोनों हो सकती है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है
और लेस देन इक्वल टू वन भी हो सकता है, लेस देन वन भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है टाइम की। साइन 91 होता है, लेकिन 90 डिग्री हमने यहाँ नहीं लिया। अभी मैंने आपको बेसिक्स बात कर रहा हूं, मैं अभी मैं स्टार्ट ऐसे कर रहा हूं जो है कुछ नहीं आता हो, तो हम वैसे बेसिक की बात कर रहे हैं। साइन 90 वन होता ही है, यहाँ पे 0 से 90 के बराबर नहीं रहे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसमें वो एंगल की बात कर रहे हैं। कोटेंजेंट ऑफ थीटा, नेक्स्ट है दैट इज कोट थीटा, वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये तीन हमने साइन कॉस टैन डिफाइन किया ना, इन्हीं के रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो तीन और रेशियो आते हैं, इसका रेसिप्रोकल है टैन का, मतलब कॉट थीटा क्या है, वन अपॉन टैन थीटा। और जैसा आपको मालूम है ये बेसिक्स 11th में भी यूज होंगी, क्योंकि ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री वहां आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में 10th में जो कि 11th में भी होंगे, और आगे जेई मेंस और एडवांस में भी यूज होंगे। कोटेंजेंट ऑफ थीटा कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर वन अपॉन टैन थीटा। अच्छा इसको और भी लिखना चाहें, ये भी लिख सकते हैं, टैन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस करेंगे टैन। नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं sec थीटा, वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, वन अपॉन कॉस थीटा, और ये वन से बड़ा होगा। अगेन कॉट थीटा अगर आप देखोगे तो ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन, कुछ भी आ सकता है। अभी केवल पॉजिटिव की बात करें, निगेटिव भी हो सकते हैं, वो 90 से ज्यादा एंगल्स हो, वो सब बात अगर आप देखेंगे हम लोग आगे क्या कहां तक हमें पढ़ना है अटेंशन। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर वन अपॉन साइन थीटा, ग्रेटर देन, अगेन दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बेस से बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो जो आंसर आप दे रहे हो फर्स्ट और सेकेंड पिछले उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और याद करने का तरीका तो आपने पढ़ाई था, ये इनको याद कर लेते हैं पहले, फिर उसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसी से, ठीक है, बाकी इतनी बार प्रैक्टिस रहती कि ऐसे याद हो जाते हैं अच्छे से। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये डिफाइन किए गए। और कोई रेशियो पॉसिबल है क्या, साइड्स के सारे रेशियो आ चुके, देखो तो परपेंडिकुलर अपान बेस ले सकते हो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस ले सकते हो, बेस अपान हाइपोटेन्यूस ले सकते हो, बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपान बेस ले सकते हो, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, और कुछ तो ले नहीं सकते। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई इसमें, इतने भी रेशियो हो सकते हैं, तो उन सभी रेशियोज के अलग अलग नाम है और ये वैल्यू सब, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, बस इतना ही है फर्स्ट एक्सरसाइज में 8.1 में। आगे की बात अभी बताते हैं आपको। 8.1 मैं देख रहा हूं तो केवल इतना ही लिखा हुआ है, दिखाई दिया उसके पहले, तो 8.1 के दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। टोटल है 11 क्वेश्चन, तो ऐसे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8, 10 ऐसे बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन फिगर 8.13, ये फिगर दिया हुआ है, ये 12, ये दिया है 13, ये क्यू आर पी, पूछा गया है फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर, फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर। सर जीरो, टैन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी गई। सबसे पहले क्यू आर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग,
ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू आर क्या होगा, रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट ओवर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, कितना आ गया 169 माइनस 1 जीरो आ रहा है, ठीक है जीरो होगा। देखते हैं अब जब मैं tan p लिखूंगा, tan p माइनस cot r, tan p क्या है इस p के लिए, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan p की वैल्यू ही 5/12, tan p होगा qr अपॉन pq, p के लिए ये परपेंडिकुलर 5 और बेस होगा 12, माइनस cot r, r मतलब अब किस एंगल की बात कर, और cot में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर या एडजेसेंट साइड, तो r के लिए ये हो गया बेस 5 और परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी आ गया 5/12, ठीक है ये बता रहे थे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, sec theta is equal to 13/12, find all other trigonometric ratios, given sec theta is equal to 13/12, find all other trigonometric ratios, यह है क्वेश्चन नंबर 5। ओके सभी आ गए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मान लीजिए एक एंगल ले लेते हैं थीटा, ये एंगल ले लें सेक थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूस अपान क्या होता है बेस, तो हाइपोटेन्यूस हो गया 12, बेस ये जो हो गया वो कितना हो गया 12, तो अच्छा सॉरी ये 13 और ये हो गया 12, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं लोग, यही अभी निकाला था परपेंडिकुलर क्या आ गया रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 5, ये आ गया 5। अब इसी थीटा एंगल के लिए सभी लिखे हैं, तो अब आप बाकी सारे लिख लीजिए, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 5 अपॉन 13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/13, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, ऐसे ही रिमेनिंग cos थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 sec थीटा, तो ये था 13/12 and cosec थीटा 13/5 हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे कर सकते हैं ना, sec तो दिवनी है उससे cos निकाल लेंगे, अपोजिट कर दे, हां cos निकाल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, ठीक है लेकिन प्लस माइनस यहां नहीं यूज करना है, ठीक है रूट लेते हुए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की ही केवल बात कर रहे हैं, नहीं तो सारे ही प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करनी है। कौन सा 5, 6, 7 चलो 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन लग रहा है आपके पास भी एनसीईआरटी है तो आप बोल सकते हैं वो ले लेंगे, ठीक है 3 cot a is equal to 4, then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a, ठीक है ये होता है या नहीं होता है ये चेक करना, ठीक है बाकी आप पढ़ेंगे बाद में लर्न में, ये फॉर्मूला है cos 2a का, ये भी फॉर्मूला है cos 2a का, तो बराबर है, लेकिन फिलहाल अभी हमें यह चेक करना है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं इस रिलेशन से 3 cot a is equal to 4।
यहां से cot a क्या हो गया 4/3 मींस tan a 3/4 उन्होंने एक ट्रायंगल ये एंगल ए ये 3 ये 4 तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा भाई हाइपोटेन्यूज से कैलकुलेट कर लीजिए तो अब इससे साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं साइन ए कितना हो जाएगा 3/5 और कॉस ए हो जाएगा 4/5 अब एलएचएस आरएचएस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए दोनों सेम आ रहे हैं तो वेरीफाइड yes. और सेम नहीं आ रहे हैं तो वेरीफाई नहीं हो रहा तो सेम आ रहे हैं क्या आ रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है बताओ 7/25 ठीक है ये है एलएचएस लिखोगे तो 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर देखिए यहां से टैन 3/4 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 ऐसे ले लो तो आगे 7/25 ठीक है ना ऐसे यहां पे RHS देखिए cos square a minus sin square that is 16/25 minus 9/25 that is 7/25 दोनों इक्वल और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो है ये पढ़ रहे हैं जो कई पहले भी टॉपिक पढ़ चुके हम लोग तो उनके क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी तो कर ही लो और जो भी आपके पास एग्जाम्पलर वगैरह है वो भी करके देखो कोई दिक्कत है तो आप उनको पूछते जाओ ठीक है अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू क्यू पे राइट एंगल है PQ प्लस QR बराबर 25 दिया एंड PQ बराबर दिया है 5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P ये कैलकुलेट करें साइन P cos P और tan P कैलकुलेट करिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए सभी लोग साइन कॉस और टैन कैलकुलेट करना है पी पर सर PQ प्लस QR नहीं है सर PR प्लस QR PR प्लस QR यस सर अच्छा लिखने में मिस्टेक हो गई हाँ PR प्लस QR PR प्लस QR लिखो ठीक है नहीं तब तो यहाँ से तुरंत ही आ जाएगा PQ रखते QR आ जाएगा ठीक है तो भी कोई बात नहीं आंसर तो आ ही जाएगा उससे भी लेकिन चलो इसको कर लेते हैं PR प्लस QR is equal to 25 एंड PQ बराबर 5 तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये ले लेते हैं ये क्यूब है राइट एंगल एट क्यू PQR ये है 5 और इन दोनों का सम 25 PR प्लस क्यू ठीक है तो एक x ले लें तो दूसरा क्या हो 25 माइनस x है क्या QR को x ले लिया तो PR हो गया 25 माइनस x तो सिंस 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पाइथागोरस इसमें लगा देते हैं यहां से आ जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर कैंसिल 50x बराबर 600 तो x बराबर 12 और x 12 हो गए तो ये कितना आ गया 13 अब ये हमें P एंगल के लिए कैलकुलेट करना तो साइन P क्या हुआ 12/13 cos P 5/13 एंड tan P 12/5 ये आ गया बताइए कोई प्रॉब्लम
बिना एक्स लिए भी कर सकते थे, बताओ नेक्स्ट लिखते हैं सेकेंड पॉइंट है आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, सम स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस देखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स बात कर लेते हैं ना। एंगल एंड यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंगल इनका कैलकुलेट है साइन, साइन की वैल्यू साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब 0 एंगल वैसे तो नहीं है ट्रायंगल में, लेकिन अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये थीटा 0 की तरफ जाने लग जाए ये और छोटा बनाना है आप और धीरे धीरे छोटा बनाने लगे धीरे धीरे नजरों से नहीं माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर ठीक है तो एंगल छोटे मतलब कि साइन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब 0 ही हो जाएगा तो ये कम होके 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 की तरफ जाएगा 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू 0। 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2 है, 60 डिग्री के लिए √3/2 है, 90 डिग्री के लिए 1 ठीक है। प्रूफ तो हो जाएगा लेकिन याद करना है आपको 0 से 90 डिग्री तक अगर आप हैं तो थीटा को बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं 0 से 90 ठीक है। कॉस में क्या आएगा 90 डिग्री पर 0 पर 1 है, 0 पर 1 है क्योंकि जैसे ये 0 होगा तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज क्लोज आते जा रहे हैं बराबर होने लग जाएंगे। फिर 60 डिग्री पे √3/2 है, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 cos 60 है 1/2 और 90 पर है 0। tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो tan तो इसी से निकाल सकते हो sin by cos और उसके बाद के रेशियोस के लिए रेसिप्रोकस ले लेंगे तो tan tan 0 डिग्री 0 अपॉन 1 0 1/2/√3/2 1/√3 tan 30 डिग्री √2 कैंसिल हो जाएगा 1 यहां 2 कैंसिल होगा √3 और 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो वैल्यू डिफाइन नहीं, लेकिन एंगल बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने लग जाएगी ठीक है। जैसे अगर मैं 89.999 डिग्री की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी आएगी प्लस में पॉजिटिव। 75 डिग्री 2+√3 होता है मतलब इंक्रीज करता जाता है। कॉट की बात करनी है तो कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो या 1 अपॉन टैन लिख सकते हो, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड मतलब यहां इंफिनिटी की तरफ जा रहा है बहुत बड़ी वैल्यू तो 1 / इंफिनिटी 0 हो जाएगा या फिर आप ठीक इससे देखिए
कॉट जीरो डिग्री चाहिए ना हमें, कॉस अपॉन इसका टैन का रेशियो बदल चाहिए ना, जीरो का उल्टा तो हो गया नॉट डिफाइंड, वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड, टैन का रेशियो बदल वन बाई रूट थ्री का रेशियो रूट थ्री, ऐसे इसको डिवाइड किया रूट थ्री बाई टू बाई वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, और ऐसे ही ये वन वन का रेशियो बदल वन रूट थ्री का रेशियो बदल वन बाई रूट थ्री, नॉट डिफाइंड का जीरो क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आई है पॉजिटिव इनफिनिटी का रेशियो बदल जीरो, या फिर जीरो अपॉन वन जीरो cos upon sin, ऐसे ही sec और cosec की वैल्यू ले सकते हैं, sec की वैल्यू लिखनी है cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 root 3 by 2 का 2 by root 3 1 by root 2 का root 2 1 by 2 का 2 0 का not by, ऐसे ही cosec का sin का रेसिप्रोकल 1 में 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 by 2 का 2 1 by root 2 का root 2 2 by root 3 1 का रेसिप्रोकल 1, ये सारे वैल्यूज जितनी अच्छी तरह से याद होंगी इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उतनी अच्छी तरह से हो जाएंगे, ठीक है लो बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू नहीं 1 by root 3 tan 30 1 by root 3 है कि नहीं, cosec 45 डिग्री करते हैं सर cosec 45 डिग्री root 2 ठीक है, यही है कि नहीं, sec 60 डिग्री 2 अलग, sec 60 डिग्री 2 लेकिन दूसरा बोल देगा, दूसरा तो मैं नहीं देख रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ वो टेबल इधर की तरफ आके नहीं कर सकता ना, वो कहेगा कि हाँ फिर सर को नहीं देख रहा है ठीक है, लेकिन याद भी हो जाएगा तब भी नहीं याद कर सकते हैं, है कि नहीं, बताओ cos 30 डिग्री, देखो दूसरे बोल देंगे cos 30 डिग्री रूट थ्री ठीक है, लेकिन अच्छे से याद रखें तो तुरंत क्वेश्चन चल रहा होता तब एकदम से अपने आप आता रहता है, चलो क्वेश्चंस करवा देते हैं, पहले इसी पर है 8.2 बस ये वैल्यू इसी याद रखेंगे और इसी पर क्वेश्चंस कर देंगे, तो फर्स्ट में 4 पार्ट है, 2 पार्ट करते हैं जो रिलेटिवली पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपको किसी दूसरे पार्ट की जरूरत है तो आप बता दीजिए, tan 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, टेबल बिना देखे करें सॉल्व ठीक है, देखना है तो पहले देख लीजिए याद कर लीजिए फिर मत देखिए, बार बार की टेबल देख देख करके लिख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 8.2 tan 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, वैसे बता दो sin 30 डिग्री वैल्यू 1 by 2 tan 45 1 cosec 60 sin का याद रखो उसका रेसिप्रोकल ले लो 2 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by root 3 sec 30 cos 30 root 3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by root 3 cos 60 1 by 2 cot 45 1 ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 2 root 3 ये आ गया 1 plus 2 3 minus 3 root 3 minus 4 अपान कहां क्या आएगा 3 root 3 plus 4 ये आ रहा है 3 root 3 minus 4 अपान 3 root 3 plus 4 रैशनलाइज करने को क्यों आ रहा है, हां रैशनलाइज कर सकते हो
फोर माइनस थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लो या थ्री रूट थ्री माइनस फोर से 27 माइनस 16 कितना होता है अजीत? 27 माइनस 16 11 तो 9 कैसे आया देखो प्रोसेस करोगे तो यहां आएगा 0√3 माइनस 4 ठीक है स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3√3 प्लस 4 * 3√3 माइनस 4 27 ये आ गया डिनोमिनेटर 27 माइनस 16 ये बना यहां आया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 ये बन गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 ये आंसर है कोई डाउट ये है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री हो गया कितने वैल्यू बताए 67 बाई 12 और 60 डिग्री वैल्यू 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 30 cos 30 होता है रूट 3 बाई 2 रेंज में कर 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर 4 बाई 3 tan 45 1 sin स्क्वायर 30 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 रूट 3 बाई का स्क्वायर 3 बाई 4 तो ये तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ठीक है यहां आ गया 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1 LCM 12 कितना हुआ है 15 plus 64 minus 12 even ठीक है कोई प्रॉब्लम लव कोई दिक्कत तो इस पर मैं चार क्वेश्चन है 1 2 3 को थर्ड करते हैं एक tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3 0 degree less than a plus b less than or equal to 90 degree find a greater than b is appear find a 45 b 50 तो ए और बी कैलकुलेटर ए 45 बी 50 ठीक है ए 45 और बी 50 और देख लो और किसी क्वेश्चन में पूछा हो तो बताओ नहीं तो फिर इसको खत्म कर इस एक्सरसाइज ए प्लस बी कितना हो गया 60 डिग्री रूट थ्री किसको होती है 60 डिग्री और 1 बाई रूट थ्री तो a माइनस b हो गया 30 ऐड किए 2 है 90 तो a बराबर हो गया 45 इसमें a 45 रखोगे देयरफॉर b इज 15 बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया बहुत इजी सा है कर लेते हैं ठीक है दोनों का सब 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 आ जाएगा तो इसमें ज्यादा बड़ा तो है नहीं 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये छोटा ही और आगे यूज होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक ट्रायंगल का ये एंगल ए है ये सी जो होगा वो क्या होगा सी बराबर 90 माइनस
राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी अपान ए सी है, बी सी अपान ए सी है। अच्छा इसी में ये जो वैल्यू है कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू क्या है, बी सी अपान ए सी। और सी को क्या ले सकते हो, 90 माइनस ए, यहां से आ गया कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन। सिमिलरली आप कॉस ए देखोगे तो वो क्या आ जाएगा ऐसे ए बी अपान ए सी, और वही इसके बराबर साइन सी, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या आ गया कॉस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए कैसे मिलेगा कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कोसेक ए, एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज तो वही, एक एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो दूसरे के लिए परपेंडिकुलर बेस हो जा रहा है, बेस परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो आपस में तो इसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस बन गया, तो इसलिए 90 cos 90 माइनस ए sin ए के बराबर है, sin 90 माइनस ए cos ए के बराबर है, tan 90 माइनस ए cot ए के बराबर है, cot 90 माइनस ए tan ए के बराबर है। यही है एक्सरसाइज में 8.3 में, और कुछ नहीं, इसी पर बेस है पूरा। पता तो देख भी लेते हैं क्वेश्चंस 8.3। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू बताओ, वन। फोर्थ पार्ट है वो 631 माइनस sec 59 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या करना है इसको, इसको लिख देना साइन 90 माइनस 72 या डिनोमिनेटर वाले को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो, अपॉन cos 72 ये बन गया cos 72 अपॉन cos 72 वन। इसमें भी 31 या 59 किसी एक को चेंज कर लो, दोनों का सम देखो 90 है, एक को 90 माइनस दूसरा एंगल लिख सकते हैं, इन दोनों का सम देखिए 90 आ रहा है, मतलब इस पर आठ किलो वे से कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31 कितना होगा, सेक 90 माइनस 31 कोसेक 31 कोसेक 31 कैंसिल, वैल्यू कितनी हो गई जीरो, कोई प्रॉब्लम। चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट tan 48 डिग्री tan 23 tan 42 ठीक है, क्या करेंगे कौन से दो का सम 90 है, 48 प्लस 42 90 है, और 23 प्लस 67 90 है, इन दो को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लो 90 माइनस 48 और इसको लिखो 90 माइनस 23, ये बन गया tan 48 tan 23 और ये क्या बन गया tan 90 माइनस cot theta cot 48 cot 23 cot 48 को 1 upon tan 48 लिखोगे और इसे 1 upon tan 23 लिखो, यहां tan 23 tan 48 पहले से
हो गया ओके। क्या करना है इसको लिख लो cot 90 ओ बी को tan में लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी अब रिपीट कर देंगे देयरफॉर a बराबर 90 माइनस बी तो a प्लस बी क्या हो गया 90 देखो इसका सिक्स क्वेश्चन ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू ट्राइंगल में ट्राइंगल लिखा है ए बी सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हो गया ऐसे लिखो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री तो बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री माइनस ए ये रख दो एलएचएस में तो एलएचएस कितना होगी साइन 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू डिवाइड करो टू से तो क्या साइन 180 बाय टू 90 माइनस ए बाय टू और साइन 90 माइनस ए बाय टू क्या होता है कॉस ए बाय टू ये लिखा हुआ है देखिए कोई भी डाउट है ठीक है तो ये एक्सरसाइज होगी लास्ट पॉइंट फोर एक्सरसाइज है 8.4 लास्ट है उसमें के लिए देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो और एक आसानी से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ट्रायंगल ले लिया ए बी सी तो एलएचएस अगर आप लेते हैं तो साइन थीटा क्या लिखोगे ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर कॉस थीटा क्या लिखेंगे बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर एलसीएम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर दैट इज वन तो ये ट्राइंगल में आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 इसी में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो ठीक है ये क्या हो गया टैन स्क्वायर तो टैन स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा sec square theta will be 1 plus tan square theta. और इसी में अगर हम sin square divide करें तो sin square 1 cos square by sin square cos square theta is equal to 1 upon sin cosec cosec square theta. Yeah. नोट कर ले ये कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है आपके सिलेबस में इसी से आप चाहो तो ये भी ऐसे भी सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 यहां से आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसे कुछ और किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इनटू a प्लस b sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा और अब sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा अब इनकी जरूरत पड़ रही है कि क्वेश्चन में तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो बाकी आपके सिलेबस में आ रहा है तो आप स्टेप वाइज लिख लो ठीक है
एक्सप्लेन कर दें। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बताए कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में, कोई डाउट? चलो इस पर क्वेश्चंस करते हैं। 8.4 में कई क्वेश्चंस हैं, तो लग रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट्स। 8.4 पहला ही क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ cot a, cot a के टर्म। हाँ cot a के टर्म में ये सब कैलकुलेट करना है। sin a हाँ सब जैसा क्वेश्चन लिखा वही मैंने लिख दिया, ये सब इसके टर्म में कैलकुलेट करो। तो करते हैं इसमें सभी को बताइए। कैसे करोगे? टैन ए तो हो गया वन अपॉन कॉट ए, सेक ए क्या है? सेक स्क्वायर है वन प्लस टैन स्क्वायर है ना। तो sec a क्या हो गया? रूट ओवर वन प्लस tan स्क्वायर है, और tan को क्या ले सकते हो? तो वन अपॉन cot स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेकर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, रूट ओवर वन प्लस cot स्क्वायर है अपॉन cot स्क्वायर का रूट cot है, ये आगे sec इसके टर्म। sin a की जगह पहले cosec लिखो, cosec स्क्वायर क्या होता है? वन प्लस cot स्क्वायर है, यहां से देखो अगेन cosec स्क्वायर है वन प्लस cot स्क्वायर, इसका रूट लोगे तो cosec क्या हो गया? रूट ओवर वन प्लस cot स्क्वायर। तो साइन ए क्या होगा? वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस cot स्क्वायर। तो देखिए साइन भी आ गया और पे टैन भी है, sec भी है, सब आ गए। साइन भी कैसे भी लिख सकते हैं क्या वैसे? कैसे नहीं, तो sec के टर्म में ही लिखना, केवल cot के टर्म में लिखना है ना। देख लो आंसर भी इसका, मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ क्या देते हैं। केवल cot के टर्म में लिखना, उसके यहाँ कुछ और नहीं यूज करना है। कुछ और यूज कर लिया तब तो कर ही सकते हैं। 8.4 फर्स्ट, हाँ यही दिया है आंसर, केवल cot के टर्म में लिखना, ठीक है। मतलब साथ में कोई और नहीं यूज कर लेना, sec tan ये होगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? तो थ्योरी तो कंप्लीट कर ली हम लोगों ने, क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं, और इसकी 8.4 आप लोग कर लीजिएगा, और बाकी एक्सरसाइज भी जो भी दिक्कत होगी तो कल बता देंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और किसी को कोई